हूँ अनीशा आप लोगों के साथ और आज हम लोग सीखने वाले हैं मेल्टन पोर सोप बेसिस कैसे मार्केट से बन के आते हैं एंड उनसे हम कैसे सोप्स बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने देखा होगा कि मार्केट में बहुत तरीके के बेसिस अवेलेबल होते हैं, उसमें से मेन इम्पॉर्टेंट जो बेसिस बोलते हैं ये दो तरीके के होते हैं। ये होता है अल्ट्रा क्लियर बेस, जिसको ग्लिसरीन बेस या फिर ट्रांसपेरेंट बेस भी बोला जाता है, और ये होता है गोट मिल्क बेस। ये गोट मिल्क से बना हुआ होता है, यहाँ इसमें पानी होता है उसकी जगह पे इसके अंदर गोट मिल्क डला हुआ होता है। ये डिफरेंस मेजरली इन दोनों में होता है। मार्केट में आपको बहुत तरीके के अलग अलग सोप बेसिस मिल जाएंगे, जैसे कि चारकोल हो गया, रेड वाइन हो गया, एलोवेरा हो गया, नीम हो गया, तुलसी हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप सारे बेसिस परचेज मत करो, डोंट बाय ऑल दी बेसिस, यू जस्ट बाय दीज टू बेसिस एंड द थर्ड वन इज द रेड वाइन बेस। आप सिर्फ तीन बेसिस परचेज करो, ट्रांसपेरेंट, गोट मिल्क एंड द रेड वाइन, दैट्स इट। उससे ज्यादा आपको कुछ भी परचेज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें कैसा होता है ना कि मैं आपको आगे सिखाऊंगी कि कैसे अपन सोप्स बनाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, इन्हीं के अंदर जो भी एसेंशियल ऑयल्स और फ्रेग्रेंस या जो भी रहता है वो ऐड करके स्लैब बना के उसके पीसेस करके आपको प्रोवाइड करते हैं और बोलते हैं कि ये एलोवेरा बार है, ये एलोवेरा का बेस है, ये ट्रांसपेरेंट बेस है, ये गोट मिल्क बेस है, इसी तरीके से चारकोल बेस है, एक्सेट्रा 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 बेसिस आते रहते हैं। ठीक है, तो अब आइए शुरू करते हैं। मैं आपको बताऊंगी कि इससे अपन सोप्स किस किस तरीके के क्या क्या एडिटिव्स ऐड कर कर के अपन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस अपना क्या रहता है कि अपन को इनको छोटे छोटे पीसेस में चॉप ऑफ करना रहता है। ठीक है, मैंने इनको कुछ एकदम आइस क्यूब वाली जो साइज रहती है उन साइज में पूरा क्यूब्स बना लिए हैं। ये मैं इस ग्लास में डाल रही हूँ। ठीक है, ऐसे ही मैं चार पोर्शंस बना रही हूँ इनके और मैं चारों ग्लास में डाल दूंगी। और अगर आप इसको नीचे रख के कट करना चाहे तो नीचे रख के भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होगा, इसका जो सोप बेस है वो थोड़ा बहुत नीचे स्टिक हो जाएगा तो थोड़ा सा गंदगी होने के चांसेस है। अब आगे देखेंगे कि जो नीम सोप है, मैं नीम ही सोप को बना रही हूँ, लेकिन मैं ट्रांसपेरेंट में भी नीम सोप बना रही हूँ और गोट मिल्क में भी सोप नीम सोप बना रही हूँ। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं जो ट्रांसपेरेंट बना रही हूँ वो गोट मिल्क में नहीं बना सकती या जो गोट मिल्क में बना रही हूँ वो ट्रांसपेरेंट में नहीं बना सकती। ठीक है, अब मैंने क्या किया है, अपने चारों कप्स के अंदर ऐसे बेसिस के टुकड़े कर करके डाल दिए हैं। तो सबसे पहला जो एकदम बेसिक तरीका होता है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। जो सबसे पहला है जो कि है कलर और फ्रेग्रेंस, मतलब इसके अंदर है ना क्या डलेगा, सिर्फ और सिर्फ कलर और फ्रेग्रेंस डलेगा, ना ही इसके अंदर नीम का एसेंशियल ऑयल डलेगा और ना ही इसके अंदर नीम का पाउडर डलेगा। ठीक है, इसके अंदर क्या डलेगा, सिर्फ और सिर्फ कलर, दैट इज ग्रीन कलर एंड द फ्रेग्रेंस। सो मैं इसके अंदर एक ड्रॉप ग्रीन कलर ऐड करूंगी। इसके अंदर आपको फूड कलर्स नहीं ऐड करने हैं, जो सोप कलर्स आते हैं, ठीक है, जिनको अपन आपको इसके अंदर फूड कलर्स यूज नहीं करने हैं या फिर कॉस्मेटिक सिंथेटिक कलर्स यूज नहीं करने हैं, आपको इसके अंदर यूज करने हैं नॉन ब्लीडेबल कलर्स। ठीक है, मैंने कलर इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं ऐड करने वाली हूँ फ्रेग्रेंस। मैं नीम का फ्रेग्रेंस ऐड कर रही हूँ, मेरे फ्रेग्रेंसेस सिंथेटिक फ्री है। फ्रेग्रेंसेस सब में ऐड करने हैं तो मैं सब में डाल रही हूँ 0.5 ml, बिकॉज जो मैंने बेस लिया है वो अप्रॉक्स 50-50 grams है। ठीक है, आप चाहे तो वेट करके ले सकते हैं, आप चाहे तो अंदाज से ले सकते हैं, लाइक 5 drops अप्रॉक्स अगर आप करोगे तो वो 0.5 gram हो जाएगा, 0.5 ml। ठीक है, इसके अंदर अपन ने कलर और फ्रेग्रेंस डाल दिया है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं जो कि है कलर, पाउडर एंड फ्रेग्रेंस। अपन ने इसके अंदर फ्रेग्रेंस डाल दिया है, अब अपन डालेंगे कलर एंड पाउडर। तो ये जो कलर है वो डालूंगी मैं 1-2 drops। ठीक है, नेक्स्ट मैं इसके अंदर डालूंगी पाउडर। नीम पाउडर जो भी आप यूज करना चाहे आप कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान जरूर रखिएगा कि जो भी आप नीम पाउडर यूज कर रहे हो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में हो एंड घी पूरा अच्छे से ड्राइड हो, एकदम गीला ना हो। अगर गीला होगा तो वो आपके सोप की लाइफ भी कम करेगा, स्मेली भी हो सकता है सोप। ठीक है, मैंने नीम का पाउडर भी इसके अंदर अप्रॉक्स 0.5 ग्राम डाला है। ठीक है,
इसके अंदर अपन ने कलर ऐड कर दिया है, पाउडर ऐड कर दिया है एंड फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया है। अब आप ये चीज़ सोचिए कि जो मार्केट में हैंडमेड सोप्स के नाम पे 20-30 रुपीस के सोप्स भी प्रोवाइड करते हैं, तो क्या आपको लगता है कि वो नीम का पाउडर या फिर नीम का एसेंशियल ऑयल डालते होंगे? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ कलर और फ्रेग्रेंस वाला सोप आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड। अब थर्ड हमारा आता है कलर, फ्रेग्रेंस एंड एसेंशियल ऑयल। इसके अंदर अपन ने फ्रेग्रेंस ऐड कर दिया है, अब अपन इसके अंदर ऐड करने वाले हैं एसेंशियल ऑयल। ये मेरा नीम का एसेंशियल ऑयल है जो मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ठीक है, एसेंशियल ऑयल इसके अंदर भी लिखा है। एसेंशियल ऑयल जस्ट आपको 2-3 ड्रॉप्स ऐड करना है, ज़्यादा नहीं ऐड करना है। ठीक है, हमने एसेंशियल ऑयल दोनों में ऐड कर दिया है। अब हम दोनों में ही कलर ऐड करेंगे। ठीक है, मैंने इन दोनों में कलर ऐड कर दिया है एंड एसेंशियल ऑयल भी ऐड कर दिया है। ठीक है, तो इसमें क्या लिखा हुआ है, कलर, एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस, तो अपना ये भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट ये है कलर, पाउडर, एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस। इसमें अपन ने कलर डाल दिया है, एसेंशियल ऑयल डाल दिया है, फ्रेग्रेंस डाल दिया, और अब अपन इसमें पाउडर डालेंगे नीम का। ठीक है, और ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप फ्रेश नीम की लीव्स यूज़ कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जो फ्रेश लीव्स यूज़ करने के बाद उसका जो शेल्फ लाइफ हो जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ 15 डेज हो जाएगा। 15 डेज से ज़्यादा उसका शेल्फ लाइफ नहीं रहेगा। ठीक है, अब अपन ने इनमें सब में सब कुछ डाल दिया है। फर्स्ट में अपन ने डाला है कलर एंड फ्रेग्रेंस, सेकेंड में अपन ने डाला है कलर, पाउडर एंड फ्रेग्रेंस, इसमें पाउडर एड ऑन किया है। इसके अंदर अपन ने डाला है कलर, एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस, और इसके अंदर अपन ने सब कुछ डाला है, कलर, पाउडर, एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस। अब अपन क्या करेंगे, इनको मेल्टिंग के लिए रखेंगे। तो इसका क्या प्रोसीजर होता है कि जैसे मैंने मेल्ट कर दिया, ठीक है, मेल्ट करने के बाद मैं इस तरीके के सिलिकॉन मोल्ड्स आते हैं मार्केट में, आपको ईजीली मिल जाएंगे। अगर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं तो आप मेरे पास से भी परचेज कर सकते हैं, मेरे पास भी आपको ईजीली मिल जाएंगे। ठीक है, ये एकदम बेसिक मोल्ड है, आप देख सकते हैं, एकदम जो रेक्टेंगल वाला मोल्ड आता है वो है, पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा। ये मैंने ट्री का फॉर्मेट में लिया है, जस्ट एज ये थोड़ा सा ग्रीनरी है, इसलिए ये नॉर्मल ओवल शेप है, इस तरीके से डिज़ाइन आएगा। और ये क्यूट सा बेबी शेप है, इसके अंदर बेबी सोप निकलता है, लाइक बेबी शेप का सोप निकलता है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, अपन इनको वन बाय वन मेल्ट करने रखेंगे। सबसे पहले मैं ये रख रही हूँ कलर एंड फ्रेग्रेंस वाला। ठीक है, इनको लाइक ये 20 सेकेंड के अंदर मेल्ट हो जाएंगे, इसको ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा अपने को। जैसे अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, मैं ये नहीं बोलूँगी, लेकिन जैसे इसके अंदर तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा अपने को, एज इसकी जो क्वांटिटी है वो बहुत ही कम है। यहाँ पे एक चीज़ नोट करोगे कि मैं नीम का सोप ट्रांसपेरेंट में भी बना रही हूँ, गोट मिल्क में भी बना रही हूँ, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कोई भी सोप कैसे भी बना सकते हो। आप उसमें, सॉरी मेरा ये मेल्ट हो गया था, दैट्स व्हाई, इसको अब मैं एकदम अच्छे से मिक्स करूँगी। आप देख सकते हैं ये एकदम पानी की कंसिस्टेंसी में आ गया है। अब अगर आप चाहो इस स्टेज पे थोड़ा सा और कलर ऐड कर सकते हो अगर आपको करना है तो। ठीक है, ये बहुत लाइट लग रहा है तो मैं हल्का सा इसके अंदर कलर ऐड करूंगी। ओके, मैंने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ड्रॉप कलर ऐड किया है। ओके, एंड इस बॉटल में है मेरा रबिंग अल्कोहल। मुझे जो भी मोल्ड यूज करना है उसके अंदर मुझे नीचे की तरफ पहले रबिंग अल्कोहल से स्प्रे करना है। ठीक है, अब ये जो मैं डाल रही हूँ सिर्फ और सिर्फ कलर और फ्रेग्रेंस का है। ठीक है, अब देख सकते हैं कितना प्यारा ग्रीन कलर आया है, थोड़ा सा टेढ़ा है मेरा। ठीक है, अब इसके ऊपर आप देख रहे हैं थोड़े थोड़े से बबल्स हैं, वो बबल्स के लिए अपन क्या करेंगे, रबिंग अल्कोहल से स्प्रे करेंगे। मुझे ज़्यादा स्प्रे करने पड़ रहे हैं, आप तो सिर्फ 2 स्प्रे करोगे तो ही आपका काम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन बढ़ते हैं इस पे, जिसके अंदर अपन ने कलर डाला है, पाउडर डाला है एंड फ्रेग्रेंस डाला है। इसको मैं फिर से 20 सेकेंड्स के लिए माइक्रोवेव करूँगी, मेल्ट करने रखूँगी।
इसके अंदर अपन ने क्या किया था, सिर्फ और सिर्फ कलर और फ्रेग्रेंस डाला था इसमें, इसके साथ साथ अपन ने पाउडर भी डाला है, ठीक है। और अपन ने नीचे सैनिटाइजर स्प्रे इसके लिए करा था ताकि अगर नीचे कोई भी जर्म्स हो या मिट्टी हो या कुछ भी हो तो वो पूरा चला जाए उस जगह से। और ये एकदम अच्छे से मेल्ट हो गया है, आप देख सकते हैं। इसके अंदर अपन ने पाउडर ऐड किया था तो इसको अपन को थोड़ा सा अच्छा मिक्स देना है, एज पाउडर जो है वो मिक्स नहीं हुआ होगा एकदम से, ठीक है। इसके अंदर अपन ने क्या क्या डाला है, कलर और फ्रेग्रेंस। इसके अंदर अपन क्या क्या डाल रहे हैं, कलर पाउडर एंड फ्रेग्रेंस। इसके अंदर अपन ने एड ऑन में क्या डाला है, पाउडर, ठीक है। इसके अंदर अपन ने एक ड्रॉप और एक्स्ट्रा कलर डाला था, इसमें अपन ने ऐसा कुछ भी नहीं डाला है। ये मोल्ड एग्जैक्ट 50 ग्राम्स का है इसलिए इसके अंदर एग्जैक्ट 50 ग्राम्स फिलअप हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। इसके अंदर अपन ने पाउडर को रिप्लेस करके डाला है एसेंशियल ऑयल, ठीक है। मैं इसको मेल्ट करने रख रही हूँ, इसको भी अपन अप्रॉक्स 20 सेकेंड्स का टाइम देंगे मेल्ट होने के लिए। ये दोनों तो मैंने बनाए थे ट्रांसपेरेंट बेस में, और अब जो मैं इसके अंदर पोर करने वाली हूँ वो मैंने बनाया है गोट मिल्क बेस में। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप नीम इसमें बना रहे हो तो नीम उसमें नहीं बना सकते, या फिर सैंडलवुड इसमें बना रहे हो तो इसमें नहीं बना सकते। वो आपका प्रेफरेंस है कि आपको कैसे बनाना है, ठीक है ना। उसमें आप खुद डिसाइड करोगे कि आपको कौन सा क्या बनाना है। देखिए, ये मैंने गोट मिल्क में बनाया है। इसके अंदर गोट मिल्क, एसेंशियल ऑयल, फ्रेग्रेंस एंड कलर है। कलर अगर हल्का सा लाइट लग रहा है तो अपन एक ड्रॉप कलर और ऐड करेंगे इसके अंदर, ठीक है। फिर ज़्यादा कलर भी ऐड नहीं करना है बिकॉज आफ्टर ऑल है तो कलर ही है, एंड मैं तो घर के यूज़ के लिए बनाती हूँ ना, तो उसके अंदर कलर्स बिल्कुल ऐड ही नहीं करती हूँ, ठीक है। ये अपन ने बनाया है सिर्फ और सिर्फ कलर, एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस के साथ, और इसमें अपन ने यूज़ किया है गोट बेस का मिल्क, गोट मिल्क का बेस, ठीक है। नेक्स्ट जो अपन का है वो है कलर पाउडर एसेंशियल ऑयल एंड फ्रेग्रेंस। ये दी बेस्ट सोप होता है, मैं इसको मेल्ट करने रख देती हूँ फिर अपन इसके बारे में बात करते हैं। ये दी बेस्ट सोप होता है आज, क्या है ना कि इसके अंदर अपन ने सब कुछ डाला है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो अपन ने नहीं डाला हो। इसके अंदर अपन ने फ्रेग्रेंस डाला है, पाउडर डाला है, एसेंशियल ऑयल डाला है, जो भी एक साबुन में डलना चाहिए वो अपन ने डाला है। कोई कोई लोग होते हैं जो ये वाला भी मांगते हैं कि मुझे सिर्फ एसेंशियल ऑयल वाला चाहिए, पाउडर वाला नहीं चाहिए। तो हम जो रेंज रखते हैं, जो रेंज डेली एसेंशियल्स के पास है, वो ये दोनों वाली रेंज है कि उसके अंदर पाउडर भी है, एसेंशियल ऑयल भी है और फ्रेग्रेंस भी है। तो जो डेली एसेंशियल के पास जो रेंज आपको मिलेगी ना, वो आपको फुल वाली मिलेगी। लाइक उसके अंदर आपको जैसे एसेंशियल ऑयल पाउडर दोनों मिक्स वाला ऑप्शन भी मिलेगा। अगर आपको सिर्फ एसेंशियल ऑयल वाला ऑप्शन चाहिए वो भी मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ फ्रेग्रेंस ऑयल वाला चाहिए वो भी मिलेगा। आप जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। लेकिन मैं मेरे हिसाब से जो भी लोगों को रिकमेंड करती हूँ वो तो या तो ये रिकमेंड करती हूँ या ये, बिकॉज इन दोनों के अंदर क्या होता है ना कि एसेंशियल ऑयल है, एंड दिस इज़ ऑल्सो वेरी गुड बिकॉज इसके अंदर अपन ने ऑर्गेनिक नीम का पाउडर यूज़ किया है, या फिर अगर सैंडलवुड बना रहे हैं तो सैंडलवुड पाउडर यूज़ किया है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर फ्लो है इसका, ठीक है। इसको मैं इसके अंदर पोर कर रही हूँ। ठीक है, अब इनको कैसा है ना कि लोग बोलते हैं फ्रिज में रखना है या ऐसा, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको इनको सेट करने के लिए फ्रिज में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अगर आप बाहर रूम टेम्परेचर पे भी है अगर आपके तो भी चलेगा। मेरे पास ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा पड़ा था तो मैं ये इसमें ऐड कर दी, ठीक है। नहीं, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है। अगर सर्दी है तो वैसे ही 5-1 मिनट में ये जम जाएगा, और अगर सर्दी नहीं है तो भी 10-15 मिनट में अगर पंखे के नीचे है तो आपका ये सेट हो जाएगा। इसको सेट होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, ये आप देख सकते हैं हल्का हल्का सेट हो चुका है। तो जब अपन सूप्स को अनमोल्ड करेंगे, सूप्स कुछ इस तरीके से अनमोल्ड होके बाहर आएंगे, ठीक है।
अब मैं आपको बताती हूँ इसको अपने को पैक कैसे करना है। इस तरीके का मार्केट में आपको क्लिंग रैप इजीली अवेलेबल है, कोई भी डिस्पोजेबल वाला शॉप है वहाँ आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, इसको लिटाना है एक रोल में से, एंड इसके बाद सोप की साइज़, जैसे ये इतने में सोप इजीली कवर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरा एक और सोप आ जाएगा जो ये नेक्स्ट बैच में से सूखेगा, वो अपन इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसको यहाँ से कट करके ऐसे रख दूँगी, तो ये वाला मेरा नेक्स्ट में यूज़ आ जाएगा। अब इसके लिए मेरे को क्या करना है, एकदम पहले इस तरफ से तो मैंने ऐसे ही कर लिया, ठीक है, लेकिन इस तरफ से क्या करना है, ऐसे उठा के एकदम टाइट तरीके से पैक करना है। आप देख सकते हैं ये किस तरीके से इसकी फिनिशिंग आई है। देन इस तरफ से वापस खींच के आपको ऐसे पैक करना है, एंड यहाँ पर इस तरीके से ऐसे खींच के। ये किसी ने 50 ग्राम का नेम सोप का ऑर्डर दिया था, तो उसके लिए मैंने ये सोप रेडी किया है, एंड ऐसे प्रेस कर रही हूँ ताकि नीचे से जो उसका थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है वो एकदम परफेक्ट हो जाए। इस तरीके से आपके सोप्स पैक हो जाएंगे। अब ये अपने फ्रीज हुए नहीं हैं, मैं थोड़ा सा वेट करूँगी और फिर वीडियो के। तो ये देख सकते हैं आप ऐसे हाथ लगा के, ये एकदम अच्छे से हार्ड हो गए हैं। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा छोटे छोटे बबल्स आए हैं, ये बिकॉज ऑफ आए हैं अपन ने इसको है ना ज़्यादा देर तक, लाइक ये बहुत कम क्वांटिटी था। ये देखिए अपना सिर्फ पाउडर वाला सोप जो अपन ने बनाया था, और ये सिर्फ कलर और फ्रेग्रेंस वाला सोप है। ये अभी थोड़े गीले हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, इनका फोटो मैं आगे शेयर कर दूँगी।